में टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की रिमांड अवधि पूरी होने पर शनिवार को उन्हें उदयपुर एडीजे एक कोर्ट में पेश किया गया। उनके साथ ही तीन अन्य आरोपियों की भी कोर्ट में पेशी हुई। भारी सुरक्षा जाब्ते के बीच एसओजी चारों आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में सुनवाई के बाद बाबूलाल कटारा और कटारा के ड्राइवर गोपाल सिंह निवासी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड को 2 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं भांजे विजय कुमार और अन्य साथी अरुण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बता दें, इससे पहले बाबूलाल कटारा को 10 दिन की रिमांड पर भेजा था। बीते 10 दिन एसओजी द्वारा कटारा से पेपर लीक को लेकर कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाने की बात सामने आ रही है। रिमांड के दौरान एसओजी ने कटारा के अजमेर टोडरमल लाइन स्थित सरकारी आवास से डबल बेडशीट, एक ताला, 3 चाबियां बरामद की थी। प्रारंभिक जांच में पता लगा कि ये चाबियां आरपीएससी के पेपर रखने जाने वाले स्ट्रॉन्ग रूम की हो सकती हैं। हालांकि अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि पेपर लीक का मामला सामने आने पर आरोपी ने स्ट्रॉन्ग रूम के ताले को बदल कर उसकी जगह नया ताला लगा दिया। एसओजी कटारा की संपत्तियों का भी पता कर रही है। फिलहाल बाबूलाल कटारा के अपने डूंगरपुर निवासी पर 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स है। साथ ही उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास इलाके में भी आलिशान बंगला है।